हेलो टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं CDS सेकेंड पेपर, जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम इंग्लिश का पेपर था, जो जो सेकेंड हुआ है। पहला जो होता है फरवरी में, जो अभी हुआ है आज 8 नवंबर को, 8 नवंबर को जो आज एग्ज़ाम था उसका हम लोग इंग्लिश पेपर की आंसर की डिस्क्लोज करने वाले हैं, सबसे पहले और सबसे सटीक। क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं आप चेक कर सकते हैं, आप अपना स्कोर क्या कहते हैं इससे चेक कर सकते हैं, आपको अच्छा अपना परफेक्ट स्कोर यहाँ से मिल पाएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर जरूर बताएं और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एवरीवन। चलिए आज आंसर की डिस्क्लोज करते हैं। आप खोल लीजिए इंग्लिश का पेपर, स्पेलिंग मिस्टेक सबसे पहले देखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक क्वेश्चन वन का आंसर है, पहले का है डी, सेकेंड का है ए, थर्ड का है डी, फोर्थ का है ए, फिफ्थ का है बी, सिक्स्थ का है बी। चलिए आगे देखते हैं, सेवेंथ का है ए, एट्थ का है सी, नाइन्थ का है सी, टेंथ का है ए। अब देखते हैं क्लोज कंपोजिशन, जो क्लोज कंपोजिशन आया था उसका आंसर देख लेते हैं। इलेवेंथ का है ए, ट्वेल्थ का है डी, थर्टीन का है सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फोर्टीन्थ का है ए, फिफ्टीन्थ का है बी, सिक्सटीन का है सी, कहते हैं सेवेंटीन का है ए, एटीन का है बी, नाइनटीन का है डी, ट्वेंटी का है ए, 21 का है डी और 22 का है सी। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग, 23 का है ए, 24 का है ए, 25 का है ए, 26 का है डी, 27 का है ए, 28 का है डी, 29 का है बी, 30 का है ए। चलिए आगे देखते हैं आगे के आंसर्स। अब आया था कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स देख लेते हैं। 31 का है ए, 32 का है डी। चलिए आगे देखते हैं, 33 का है सी, 34 का है ए, 35 का है डी। चलिए अब देखते हैं पैसेज बी के आंसर्स, पैसेज बी के आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। पैसेज बी के 36 का आंसर है ए, 37 का है बी, 38 का है ए, 39 का है ए, 40 का है सी। चलिए आगे के आंसर्स देखते हैं। अब आया था स्पॉटिंग एरर्स, अब आप पेज नंबर स्पॉटिंग एरर्स वाला पार्ट खोल लीजिए। 41 का है बी, 42 का है सी, 43 का है बी, 44 का है बी, 45 का है सी, 46 का है सी, 47 का है बी। चलिए आगे देखते हैं, 48 का है सी, 49 का है सी, 50 का है बी। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, 51 का है सी, 52 का है डी, 53 का है ए, 54 का ए। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, 55 का है ए, 56 का है बी, 57 का है बी, 58 का है बी, 59 का भी है बी, 60 का है सी। अब देखते हैं आगे के सिनोनिम्स वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, 61 का है ए, 62 का है सी। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, 63 का है बी, 64 का है बी, 65 का है डी, 66 का है ए, 67 का है ए, 68 का है बी, 69 का है बी, 70 का है बी। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब जो एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन आए थे, 71 का है डी, 72 का है ए, 73 का है डी, 74 का है ए, 75 का है सी, 76 का है ए, 77 का सी, 78 का सी। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, आगे क्वेश्चन है 79 का है ए, 80 का है ए। अब जो ऑर्डरिंग और सेंटेंसेस के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें पहला है 81, 81 का आंसर जो था
था बी। चलिए आगे क्वेश्चंस। और 82 का आंसर था डी, 83 का सी। आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 84 का क्वेश्चन, 84 का आंसर था ए, और 85 का सी। 85 का सी और 86 का ए। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 87 का आंसर था ए, 88 का बी। आगे क्वेश्चन। 89 का आंसर था ए, 90 का डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। 91 का था आंसर ए, 92 का बी, 93 का ए, 94 का बी, 95 का डी, 96 का बी, 97 का ए, 98 का ए। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चंस देखने पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जीके की आंसर की भी आपको सबसे पहले यहीं पे मिलेगी। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस। 99 का है बी, 100 का है बी, 101 का है बी, 102 का है ए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 103 का है डी, 104 का बी, 105 का ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 106 का है सी, 107 का है ए, 108 का है ए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 109 का आंसर है डी, 110 का है ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आइडियम्स ऑफ फ्रेसेस के जो क्वेश्चन आए थे। 111 का आंसर है ए, 112 का आंसर है डी। चलिए आगे क्वेश्चंस। ये आखिरी पेज था जिसमें थे 113 का आंसर है ए, 114 का ए, 115 का बी, 116 का ए, 117 का बी, 118 का डी, 119 का सी, 120 का बी। चलिए ये थी पूरी आंसर की इंग्लिश की। अब जैसे ही इंग्लिश क्या कहते हैं, आप जीएस का पेपर दे रहे होंगे, अगर जैसे ही जीएस का पेपर ख़त्म होता है 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद, आपको आंसर की उसकी यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगी। आप अपना अपना स्कोर जो आपको इस आंसर की से मिला हो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।